हे गाइस, कैसे हो सब लोग। सो आज भी मेरे पास काफी सारी न्यूज हैं पूरे माइनक्राफ्ट कम्युनिटी से, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ओके दन, बात करते हैं अपने फर्स्ट न्यूज की, जो कह रही है मिस्टर लैपिस को लेके। सो रिसेंटली जब ये अपने सेकंड चैनल लैपिस लाइव पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे लापता एसएमपी की, तो उसी स्ट्रीम में लाइव वॉचिंग 2K की थी। एंड उसमें एक टाइम पे उनके पार्टनर बोलते हैं कि अगर इस स्ट्रीम पे 3K लाइव वॉचिंग आ जाती है तो वो लैपिस की आई रिवील कर देंगे, और अगर लाइव 4K वॉचिंग हो जाती है तो फेस रिवील। एंड इसके बाद मिस्टर लैपिस बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना फेस रिवील तभी करेंगे जब उनके मेन चैनल मिस्टर लैपिस पर 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो हाँ, देखो आप लोग वो क्या कुछ बोले। 2.3K की वॉचिंग प्रियजी भाई, 3000 कर दो और लैपिस की आई रिवील 4000 कर दोगे तो फिर सही रे, सही रे भाई, सही है भाई। 3000 पे फेस रिवील नहीं कहा, वरना तो खत्म कर देता है मेरे को भाई। नाक रिवील भी होने वाली है गाइस, वेट करते रहो, देखते रहो कि डार्क कैसे होगा यार। नहीं भाई, आप लोग सिर्फ देखो ठीक है, अगर आप लोग ऐसा कम कर दोगे, देखना बंद कर दोगे तो कम हो जाएगा वो माइनस पे। मैं तो कहता हूँ 2900 पे रुके रहो, 2900 से ऊपर जा ही मत, 9K पे रुके रहो। लापता एसएमपी जॉइन करना है मेरे को, ओके दैन। बात करते हैं अपने अगले न्यूज की, जो कह रही है स्मार्टीफाई के हिमलैंड को लेके। तो इन्होंने अपने हिमलैंड के सीजन 5 का फर्स्ट एपिसोड कल रिलीज कर दिया है, एंड इसमें उनसे एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक हो जाती है, जिसको कि काफी लोगों ने नोटिस भी किया। सो जब स्मार्टीफाई स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने सीजन 3 की जगह सीजन 4 और सीजन 4 की जगह सीजन 5 बोल दिया। सो सबसे पहले आप लोग वो क्लिप देख लो। बुलाए मेहमान का हमला हो जाता है, जिसका नाम था होगा लाला। इस एंटिटी ने हम लोगों को सीजन 4 में बहुत ज्यादा तंग किया, और इन दी एंड हम लोगों ने फाइनली इसको और डार्क एंटिटी को एक बहुत ही खतरनाक क्राइंग ऑब्सीडियन के प्रिजन के अंदर बंद कर। तो हाँ, यहाँ पर आप लोगों ने सुना कि स्मार्टीफाई ने बोला कि इस एंटिटी ने हमें सीजन 4 में काफी ज्यादा तंग किया है, और जो हिमलैंड के ट्रू फैन है तो उन्हें ये बात पता है कि ये सीजन 3 का 30 एपिसोड है। एंड सीजन 5 की शुरुआत में मैं स्पॉन होता हूँ फार लैंड्स के अंदर, जो कि हमारे घर से लगभग 1,25,00,000 ब्लॉक्स दूर। So, यहाँ पर स्मार्टीफाई बोलते हैं कि सीजन 5 के स्टार्टिंग में वो स्पॉन होते हैं फोरलैंड में, और आपको पता है कि ये हिमलैंड सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड है। बाकी अगर आप लोगों ने भी कोई मिस्टेक नोटिस करी तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके दैन, बात करते हैं आप अगली न्यूज की, जो कह रही है खतरनाक किसान को लेके। तो कल ही अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करे ये वाली, एंड इसमें वो बात की हीरो ब्रेन एसएमपी की। तो ये बात करे कि जब सभी रैंडम लोग हीरो ब्रेन एसएमपी को ज्वाइन कर रहे थे, तो उस टाइम काफी लोगों को ये लगता था कि वो सभी एक दूसरे से नफरत करते हैं, इसलिए काफी कुछ तोड़ देते हैं एसएमपी के अंदर। तो इस पर वो बोले कि सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए तो साथ में खेल रहे थे। तो हाँ, आप लोग भी देखो वो क्या बोले। क्या दिन थे यार हीरो ब्रेन एसएमपी के। काफी लोगों को ना एक अजीब सी गलत फहमी थी उस टाइम पे कि जो सब लोग आ रहे ठीक है हीरो ब्रेन एसएमपी में, वो कुछ रैंडम लोग है, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से नफरत करते कुछ लोग, इसलिए तोड़ देते कुछ चीजें। वैसा कुछ नहीं था, सब लोग जो हीरो ब्रेन एसएमपी के थे भाई आपस में हम लोग काफी अच्छे दोस्त, इसलिए हम लोग एक साथ खेल रहे भाई। लॉजिक लॉजिक बनता है भाई, क्या बोलते हैं अभी। काफी लोगों को लॉजिक था ही नहीं इस चीज का, मतलब देखने वालों में से, तो शायद उस वजह से भी मन नहीं हो रहा है अभी कितने लोग का हीरो ब्रेन इससे भी खेले। ओके दैन, बात करते हैं अब अगली न्यूज की, जो कह रही है चपाती गेमर को लेके। तो आपको मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि ये काफी परेशान लग रहे हैं और शायद से डिप्रेशन में हैं, जिसके रिलेटेड वो काफी सारे ट्वीट्स भी किए हैं अपने ट्विटर पर। एंड अब उनकी ऑडियंस पूछ रही है कि क्या सच में चपाती गेमर यूट्यूब को छोड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कल स्टोरी में अपडेट देते हुए कहा कि उनके घर में काम चल रहा है, जिस वजह से वो काफी परेशान है, और जब काम खत्म हो जाएगा वो वापस से वीडियोस बनाना चालू कर देंगे, और इसमें वो सारे क्रिएटर्स को थैंक यू भी बोले उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो हाँ, आप लोग भी खुद देख लो चपाती गेमर क्या बोले। तो यार गाइस, अपडेट ये है कि ये अब से अपना नया घर, ब्रांड न्यू घर, अभी इसको बनाने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा मेरे को, मे बी 2-3 दिन मेरे को लगेंगे, और यार कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के अंदर फंसा हुआ हूँ, तो ट्राई कर रहा हूँ वहां से निकलने का। लाइफ पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जाती है, कुछ पता ही नहीं लगता, पर यार थोड़ा बहुत मजा नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि सब कुछ टूटा फूटा है, देख रहे हो, सब कुछ टूटा फूटा है, लेकिन जब बन जाएगा विल सेटल बैक डाउन। और यार बिग बिग थैंक यू जो अपने फैलो यूट्यूबर्स हैं, ईशान भाई, अज्जू भाई, रॉनी, बिक्षु, अपने देसी गेमर बॉय अमित भाई, उन्होंने मेरे को ट्विटर पर बहुत मैसेजेस किए। लेकिन पता है क्या चक्कर है, जो बंदा परेशान होता था लाइक मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ा थोड़ा हॉली हॉली मोटिवेशन बैक टू नॉर्मल मेरा आ रहा है। तो यार, और मेरे को पता है जब सब कुछ सेट हो जाएगा ना, इसकी
पूरा पार देंगे। ओके डन, बात करते हैं अब अगले न्यूज की जो कह रही है टेक्नो गेमर्स को लेके। तो आपको मैंने कल वाली वीडियो में बताया है इनका 20 मिलियन का सरप्राइज वीडियो और हीरो बनने एसएमपी की मेन स्ट्रीम कब होगी। ये इस पर एक वीडियो डालेंगे 12 जनवरी को, यानी कि इनके बर्थडे वाले दिन। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो की लेंथ सिर्फ 5 मिनट की होगी, क्योंकि ये वो मेन वीडियो नहीं होगी जिसका हम सभी वेट कर रहे हैं, लाइक 20 मिलियन का सरप्राइज। ये सिर्फ एक Q&A वीडियो होगा और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो मेनली टेक्नो गेमर्स खुद पिक कर लिए हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जो कि ज्यादातर पूछे गए हैं। तो बाकी आप लोग खुद सुन लो वो क्या बोले। बहुत सारे अपडेट है भाई, सब कुछ 12 जनवरी, सब क्लियर कर दूंगा मैं। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, बस 12 जनवरी को बस अपने 5 मिनट निकाल लेना, वो वीडियो देख लेना। शायद वीडियो भी 4-5 मिनट का होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। कोई वैसा Q&A वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, मैंने क्वेश्चंस पिक कर ली है, अलग से मांग नहीं रहा। मैंने जो मेनली क्वेश्चंस है वो सारे अपनी ही कमेंट से, अपनी ही लाइव स्ट्रीम की चैट से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, हर जगह से मैं ढूंढ ढूंढ के ले आया हूँ जो मेन क्वेश्चंस है, और उन्हीं सबके मैं आंसर करने वाला हूँ आपको। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।